Hello, welcome to Arbind Singh Academy, and we are here to discuss about the tissues today, and this is the first lecture on tissue. So hopefully you have studied and watched the lecture on cells, the fundamental unit of life, from the previous classes, and now today we are going to discuss about the tissue. This is a continuous topic, so I request you people to learn and watch the lecture on cell before watching the lecture on tissue, because unless you watch the lecture on cell properly, you won't be able to understand the tissue and the function of tissue, because tissue is made of cells only. So unless you understand the cells, how can you understand the tissue? So definitely it will be helpful, great help, if you watch the cell first and then you watch the tissue. So आज टिश्यू की बात करते हैं, और टिश्यू की बात में सबसे पहला जो लेक्चर है वो टिश्यू पे आज है, जिसमें हम बात करते हैं कि टिश्यू आखिर है क्या. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमने बात किया था कि एक ही सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, और वो सारे ऑर्गेनल्स अलग अलग फंक्शन करते हैं, और वो सारे अलग अलग फंक्शन लाइक डाइजेशन हो या रेस्पिरेशन हो या एक्सक्रेशन हो, ये सारे के सारे फंक्शन खुद ही सेल के अलग अलग ऑर्गेनल्स जो है वो परफॉर्म करते हैं, और सेल सर्वाइव करने में कामयाब रहता है. लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल होते हैं, तो बहुत सारे सेल क्या करते हैं? बहुत सारे सेल होने का फायदा ये है कि कई सारे सेल मिलके एक बड़े काम को अंजाम देते हैं, और बहुत सारे सेल मिल करके जब एक सारे काम को अंजाम देते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर एंड फंक्शन इन सच वे दैट दे विल परफॉर्म ए पर्टिकुलर वर्क, सो दैट इज कॉल्ड टिश्यू. ये सारे के सारे जो टिश्यूज हैं वो एक टिश्यू के जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे एक टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं. उनकी एक टाइप के स्ट्रक्चर्स होने की वजह से उनकी फंक्शनिंग भी एक जैसी होती है, और सारे मिल करके एक ही तरह के फंक्शन करते हैं, मतलब एक तरह के फंक्शन करने से एक तरह के काम को कंडक्ट करते हैं, एक तरह के काम को परफॉर्म कर देते हैं. तो लाइक हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ह्यूमन बींग में लाइक ब्लड है, तो ब्लड क्या करता है? ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को डिफरेंट ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स में, वेस्ट मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड को भी वहाँ से निकालता है, और इसके अलावा ब्लड जो है वो अलग अलग तरह के जो आइटम्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में कामयाब रहता है. तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन और फूड और हार्मोन्स और CO2 यानी वेस्ट मटेरियल यूरिया वगैरह को ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करता है. उसी तरह से मसल्स टिश्यू जो है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के सारे मूवमेंट होते हैं, और हम लोग जितने भी बॉडी के जो मूवमेंट कर पाते हैं ये मसल टिश्यू की वजह से होता है. इसी तरह से जो नर्व टिश्यू है यानी न्यूरॉन्स हैं, वो क्या करते हैं? वो हमारे दिमाग को और हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को इसके जरिए मैसेज जो है वो कन्वे करने का काम करता है, माइंड तक मैसेज कन्वे करता है. सपोज करो मुझे यहाँ पेन हो रही है, तो ये मैसेज यहाँ पे पेन हो रही है, ये बात कैसे पता चलेगा? तो यहाँ के टिश्यू जो है, यहाँ ब्लड नर्व सेल्स का जो पार्ट है वो यहाँ से लेकर के और ये मैसेज कन्वे करता है माइंड तक कि हमको यहाँ पे पेन हो रही है. तो इस तरीके से नर्व सेल्स जो है ये क्या करते हैं, ये मैसेज को कन्वे करने का काम करते हैं. इसका मतलब ये है कि अलग अलग टिश्यू जो है वो अलग अलग काम करने के लिए डिजाइंड है, और इस तरह से ब्यूटीफुली डिजाइंड है कि ये अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम करते हैं. तो ग्रुप ऑफ सेल्स, जो बहुत सारे सेल्स है एक साथ मिल करके एक स्पेसिफिक वर्क को फंक्शन करते हैं, उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं. इसका अर्थ है कि टिश्यू क्या है? द ग्रुप ऑफ सेल्स फंक्शनिंग टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर डिजाइंड वर्क दैट इज कॉल्ड टिश्यू. राइट, सो टिश्यू इज दिस. लेट मी राइट दिस. क्यों लिखे ना? ठीक है, सो दिस इज द लेक्चर नंबर 1 एंड वी आर डिस्कसिंग टिश्यू टुडे.
issues, right? So in this lecture issue today we are going to discuss, and this is lecture number 1. I hope lecture number 1, and subtopic is introduction. So what is tissue? Let me write this definition. Tissue. अगर कोई आपसे पूछे कि what is tissue, so क्या कहोगे? A group of cells which are similar in structure and work together to perform a specific function called tissues. So this is the definition of tissue. तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि टिश्यू के बारे में, कि ब्लड टिश्यू जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स लाइक हार्मोन्स, फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. सिमिलरली फ्लोएम इन प्लांट्स, दे कंडक्ट द फूड फ्रॉम लीव्स एंड दे ट्रांसपोर्ट इट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. सो हर एक चीज में, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, a group of cells are working together to achieve a particular function of a body, of a living body, that is called tissue. तो टिश्यू के बारे में ये क्या है और किस तरह से काम करता है, ये आपको समझ में आ गया होगा. तो अभी हमने नाम लिया कि जैसे नर्व टिश्यू के बारे में बात किया, ब्लड टिश्यू के बारे में बात किया, मसल टिश्यू के बारे में बात किया, फ्लोएम के बारे में बात किया. तो ये सब क्या टिश्यू है? तो सारे टिश्यू जो एनिमल के टिश्यू हैं, इनकी अलग अलग फंक्शनिंग है, और जो एक टाइप के टिश्यू हैं उनके सेल्स जो हैं वो एक जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं, ये बात हमने बताई. क्या प्लांट में भी टिश्यू जो होते हैं और एनिमल के टिश्यू की तरह सेम होते हैं या अलग होते हैं? ये एक सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या कोई फर्क है. प्लांट सेल और एनिमल सेल में फर्क था, ये बात हमने सीखा था और हमने इसको एनालाइज भी किया था. तो क्या टिश्यू में भी ऐसे ही कहें कि अगर सेल में फर्क है तो क्या टिश्यू सेल से बना है तो उसमें फर्क नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सेल जो से ही टिश्यू बना है, जब सेल में डिफरेंस था तो टिश्यू में भी डिफरेंस होगा. और प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों अलग अलग होंगे, दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस होगा, ये बात हमें समझनी होगी. तो आज की क्लास में हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में बेसिकली डिफरेंस है क्या, है ना? ये तो समझ में आ गया कि टिश्यू क्या है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म टूगेदर टू अचीव ए स्पेसिफिक फंक्शन और ए पर्टिकुलर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड टिश्यू. ठीक है, इनके स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं और इनकी ओरिजिनेशन भी ऑलमोस्ट सेम जगह से होती है, ये एक ही जगह पे बनते हैं और इनकी ओरिजिन भी एक जैसी होती है, एक जगह पे होती है, और ये इसलिए ये सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर भी इनका होता है और ये सब मिलकर के एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं. अब प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या फर्क है, ये बात समझने के लिए एक टेबल की मदद लेते हैं और समझते हैं पहले कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में बेसिकली फर्क है क्या. और अगर ये फर्क हम समझ पाए तो हमें फिर अलग अलग उसकी स्टडी करने में सहूलियत मिलेगी. हालांकि ये चीज बाद में समझना चाहिए था, पहले बारी बारी समझना चाहिए था, फिर बाद में उसमें डिफरेंस हमें समझते तो ज्यादा बेहतर होता.
लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले अगर हम डिफरेंस समझ ले तो स्टडी करने में ज्यादा सहूलियत होगी कि दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, तो दोनों ही बातें, दोनों के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स हैं। सो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि पहले प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में फर्क है क्या, उसके बाद हम बात करते हैं कि वन बाय वन करके कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में डिटेल स्टडी कैसे करेंगे, तो ये हम समझते हैं। ओके, तो लेट अस डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू, जैसे कि हम लोग सीखते आए हैं बचपन से कि जब दो चीजों का कंपैरिजन करना हो तो आप क्या करें, उनके बीच में एक लाइन करें और एक टेबल बना दें और फिर उसमें कंपैरिजन करें। तो हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में बात करते हैं। ये लिख देते हैं पहले अलग अलग, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू कंपेरेटिव स्टडी हम करना चाहते हैं, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, वी विल स्टडी दिस वन बाय वन और एक कंपेरेटिव स्टडी हो जाएगी। तो पहला चीज हम प्लांट टिश्यू के बारे में समझेंगे कि प्लांट जो होता है उसको मूवमेंट नहीं करनी होती है। प्लांट जो है उसको मूवमेंट तो करनी नहीं होती, वो तो खड़ा रहता है ना। तो खड़ा रहने के लिए उसको एक रिजिड स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। एनिमल तो मूव कर सकता है कि नहीं? एनिमल कैन मूव फ्रॉम हियर एंड देयर, बट प्लांट हैज टू स्टे ऑन एट पर्टिकुलर प्लेस ओनली। इट कैन नॉट मूव, देयर इज नो पर्टिकुलर मूवमेंट और प्लेस मूवमेंट। ऑल्दो मूवमेंट कैन बी ऑफ द डिफरेंट टाइप, प्लांट की टहनियां जो होती हैं, ब्रांचेज ऑफ द प्लांट्स आर कैन मूव हियर एंड देयर, बट स्टिल द प्लेस मूवमेंट आर नॉट देयर। सो प्लांट हैज वॉन्ट रिजिड सपोर्ट। सो गॉड ने क्या किया कि उसको सपोर्टिव टिश्यू दिया, एक सपोर्टिव टिश्यू दिया जो बाहरी स्ट्रक्चर से उसको सपोर्ट प्रदान करता है, सपोर्ट देता है। एंड दैट इज सो मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू आर डेड टिश्यू, राइट? दे गिव द सपोर्ट टू द प्लांट टू मेक अ रिजिड स्ट्रक्चर एंड दे कैन स्टे एट वन प्लेस ओनली, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट का ज्यादा से ज्यादा जो पार्ट है वो सपोर्टिव टिश्यू के काम में आता है। इसका मतलब क्या है, और सपोर्टिव टिश्यू कौन होगा, जो डेड होगा। जो डेड होगा उसमें रिजिडिटी ज्यादा होगी, वो मूवमेंट उसमें कम होगा। वो आदमी तो है नहीं, वो लाइफ तो है नहीं को मूव कर सकता, तो डेड है, उस तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो डेड टिश्यू होने की वजह से उसको रिजिड सपोर्ट मिलती है। यानी प्लांट टिश्यू में जो मोस्ट ऑफ द सपोर्टिव टिश्यू के फॉर्म में जो काम करता है वो डेड रिमेंस होती है, डेड टिश्यू होता है, जो पहले कभी लाइव था और बाहर के स्ट्रक्चर पे से वो धीरे धीरे डेड हो जाता है। डेड क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें से जो है वाटर लगातार जो है वो बाहर एक्सटर्नल एटमोस्फेयर को रिलीज होते रहता है, इसलिए वो जो है वो डेड हो जाता है, ठीक है। सो पहला जो पॉइंट है वो हम लिखेंगे कि इन प्लांट टिश्यू मोस्ट of the tissue are dead as compared to living tissue. They provides the rigid support to the plant. They provide a rigid support to the plant. ठीक है, they provide a rigid support to the plant. ये एक चीज हो गई। तो अब एनिमल टिश्यू में अगर ये बात लिखनी हो, इसके कंपैरिजन अगर हम कर रहे हैं, तो क्या लिखना चाहिए? In animal tissue, animal most of the tissue are living tissue as compared to dead tissue because it require high mobility, it requires
हाई मोबिलिटी, मोबिलिटी इन देयर लाइफ, देयर लाइफ। ठीक है, तो एक तो ये फर्क हो गया। दूसरा, प्लांट टिश्यू के बारे में और क्या कह सकते हैं? तो प्लांट टिश्यू जो है, जो सेकंड डिफरेंस कह सकते हैं, वो ये है कि प्लांट टिश्यू में दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एनर्जी, एनर्जी राइट। प्लांट को बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है, जबकि आदमी को, इंसान को, जानवरों को, जितने भी एनिमल्स हैं, उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। दे रिक्वायर मोर मेंटेनेंस एनर्जी, मोर मेंटेनेंस एनर्जी। सुबह शाम दोपहर रात खाना पड़ता है और तरह तरह की चीजें जरूरत पड़ती है न्यूट्रिशन के लिए, सर्वाइवल के लिए। बिकॉज ऑफ द हाई मोबिलिटी प्लांट्स को क्या है कि उनको इतनी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। क्या आप जंगलों में जो प्लांट हैं उनको डायबिटीज हो रही है, उनको कोई बीमारी हो रही है, उनको रोज रोज नरिशमेंट दी जा रही है, आप जाकर के रोज उनकी केयर देखभाल करते हैं? नहीं करते हैं, फिर भी वो सरवाइव कर रहे हैं। उनको एक बार आपने लगा दिया, पहले शुरुआत के दिनों में खाद पानी दे दिया या नहीं भी दिया, अपने आप भी पैदा हो गए, तब भी वो सर्वाइव करते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, काफी दिनों तक वो सर्वाइव करते रहते हैं। अब इस तरह से उनको रोज रोज मेंटेनेंस की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। और आदमी क्या है कि दिन भर में सुबह में ब्रेकफास्ट और दोपहर में लंच और रात को डिनर और शाम को भी कुछ चाहिए, तो ये सारे खाने पीने का दिन भर काम चलता रहता है। दिन भर उनको एनर्जी चाहिए, मिनरल चाहिए। व्हाई? बिकॉज ऑफ द हाई मोबिलिटी है नेचर। सो हाई मोबिलिटी नेचर की वजह से इनको क्या चाहिए? ज्यादा मेंटेनेंस चाहिए एज कंपेयर टू द प्लांट्स। तो थर्ड जो डिफरेंस हो सकती है, और क्या डिफरेंस हम करें बताइए? और डिफरेंस हो सकती है कि इसमें जो डिफरेंशिएशन होती है, तो प्लांट टिश्यू डिफरेंशिएटेड लाइक प्लांट टिश्यू हैज डिफरेंशिएशन इन मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, such differentiation are absent in animal tissue are absent। ऐसा कोई differentiation यहां नहीं होती। तो ये तीन इंपॉर्टेंट हो गए। चौथी जो बात कही जाए वो क्या कही जाए कि लोग बात कर रहे हैं टिश्यू की, ठीक है, एंड ये डिफरेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू वी आर वर्किंग ऑन। दिस इज लेक्चर नंबर 1 एंड वी आर डिफरेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू का डिफरेंस हम कर रहे हैं। ठीक है, तो चौथी प्लांट टिश्यू के बारे में सबसे पहले इधर लिख रहे थे प्लांट टिश्यू और इधर एनिमल टिश्यू के बारे में हम लिख रहे हैं, राइट? ओके, सो द फोर्थ पॉइंट इज, लेट मी राइट दिस फोर्थ पॉइंट। Plant can grow throughout their life. Plant tissue can grow throughout their life. Throughout of their life.
ऑफ देयर लाइफ। जब तक प्लांट है, जब तक जान है, तब तक उसमें ग्रोथ होती रहती है। प्लांट जब तक लाइफ है उसमें ग्रोथ होती रहती है, हर एक टिश्यू में डेवलपमेंट होती रहती है। बट इन एनिमल आफ्टर सर्टेन मैच्योरिटी दे कैन नॉट ग्रो, बट एनिमल टिश्यू। फोर्थ पॉइंट, दिस इज ए फोर्थ पॉइंट। एनिमल टिश्यू कैन नॉट ग्रो आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी एज। मैच्योरिटी एज ऑल्दो रिपेरेटिव ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट ऑफ देयर लाइफ थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है, तो ये है, हमें ये स्क्रीन पे देखना होता है लिखते समय, और थ्रू आउट देयर लाइफ। यहाँ पे ये किसकी वजह से हो रहा है, ये ग्रोथ किसकी वजह से होता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू प्लांट में जो होता है उसकी वजह से हो रहा है। ये जो है वो ग्रोथ जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू दे कैन ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। लेकिन ये चीज होता नहीं है एनिमल में, मेरिस्मेटिक टिश्यू जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए ऐसी ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, अब एनिमल टिश्यू में जो हमने एक शब्द लिखा यहाँ पे रिपेरेटिव ग्रोथ, ये क्या होता है और बाकी ग्रोथ और इस ग्रोथ में क्या फर्क है? बाकी के ग्रोथ के बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में, जैसे आप अपने, हम लोग इंसान के बारे में या किसी जानवर के बारे में बात कर लें, तो एक स्पर्म सेल से शुरुआत होकर के और इतना बड़ा आदमी बन जाता है, सारे इसमें अलग अलग टिश्यू ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, ये 18-19 साल तक सब कुछ डेवलप हो जाता है। उसके बाद जो है लेंथ हाइट नहीं बढ़ती, उसके बाद इसमें डेवलपमेंट हो जाता है एक बार, तो बाकी चीजों में टिश्यू में कोई ग्रोथ इतना नहीं होता। एक मैच्योरिटी लेवल अटेन करने के बाद जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है, और इवन दो के आफ्टर सर्टेन टाइम जो ग्रोथ के बजाय डीके होना शुरू हो जाता है। 40 अराउंड लेटर 40 ह्यूमन बीइंग में क्या होती है, बोन जो होती है वीक होने लग जाती है, कैल्शियम की कमी होने जाती है, कैल्शियम सप्लीमेंट होने लिए जाने लगते हैं, और तरह तरह से बॉडी में डीके शुरू हो जाता है आफ्टर 40 एन ऑनवर्ड। लेकिन एक शब्द हमने उसमें इस्तेमाल किया रिपेरेटिव ग्रोथ, ये क्या होता है? ये जैसे कि बाल है, ये थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ करते रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि 19 साल के बाद बाल ग्रो ही नहीं करते। नाखून है, ये ग्रो करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के ग्रोथ जो है वो लगातार चलता रहता है थ्रू आउट द लाइफ, बट एक जो फंक्शनल ग्रोथ है वो रुक जाता है, वो आगे नहीं होता। इसलिए हमने कहा कि एनिमल में ग्रोथ एक सर्टेन मैच्योरिटी लेवल पे जाकर के रुक जाता है, जबकि प्लांट में ये चलता रहता है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है, इसमें एक और डिफरेंस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट टिश्यू आर सिंपल। ठीक है, और एनिमल टिश्यू में ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इन एनिमल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू
are more complex and localized right, to form organ system ठीक है। ये पांच बातें हो गई, तो ये इस पांच बातों का ध्यान में आपको रखना हो। एक और डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं कि टिश्यू जार मीट ऑफ इन प्लांट टिश्यू जार मीन फॉर स्टेशनरी हैबिट इनकी ऐसी ही बनी होती है टिश्यू की इसकी स्टेशनरी हैबिट को मेंटेन करे, जबकि एनिमल टिश्यू में they are made for targeted high mobility ठीक है, targeted for high mobility। तो इस तरीके से ये जो बेसिक पांच छह डिफरेंस है ये प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में है, जिससे हम दोनों में फर्क महसूस कर सकते हैं और फर्क देख सकते हैं कि एनिमल टिश्यू जो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो बड़ा सिंपल होता है, जबकि प्लांट टिश्यू में क्या अलग अलग ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होते हैं। प्लांट टिश्यू में कोई हार्ट, लंग और किडनी नहीं होता, जबकि एनिमल टिश्यू में ये सारी चीजें होती है और इनको हाई मेंटेनेंस चाहिए होता है, इनको तरह तरह की बीमारियां भी होती है। और प्लांट टिश्यू में भी बीमारी होती है, ऐसी बात नहीं है कि प्लांट टिश्यू में नहीं होती, लेकिन वो जो है वो लिमिटेड है और उसकी एक बहुत लॉन्ग लाइफ फिर भी है। विदाउट मेंटेनेंस दे कैन सर्वाइव फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट इन एनिमल वी कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट मेंटेनेंस। इवन कि पानी ही ना मिले एक दो चार दिन तो आदमी तड़प तड़प के मर जाएगा, और ऑक्सीजन ना मिले दो ढाई मिनट तक तो उसके बाद भी मर सकता है। लेकिन प्लांट को ऐसी दिक्कत नहीं होती, दो चार पांच दिन पानी ना भी मिले, आप फूल पौधे गमले में उगाए होते हैं और अगर उसे दो तीन दिन पानी नहीं भी देते हैं तब भी वो सर्वाइव कर जाता है। दो चार पांच दिन उसमें पानी ना दें, अगर उसमें आप उसको बाहर घर में रख दें, उसमें फोटोसिंथेसिस ना हो पाए, तब भी दो चार दिन तक सर्वाइव कर लेगा। लेकिन एनिमल ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एनिमल को बहुत हाई मेंटेनेंस एनर्जी की जरूरत होती है। हाई मेंटेनेंस एनर्जी की जरूरत होती है और इस एनर्जी के बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इसके ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उसमें थोड़ी सी भी डिफेक्ट आने पे तरह तरह की बीमारियां होती है, और इनकी बीमारियां होने की वजह से इसके सर्वाइवल टिश्यू जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते। और टिश्यू अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं करते इसका मतलब ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो ऑर्गन फेलियर हो जाएगा और फेलियर होते ही इंसान की मौत हो जाती है। तो इस तरीके से जो है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स टिश्यूज हैं एनिमल में प्लांट के मुकाबले, और प्लांट जो है उसमें मोस्टली जो है टिश्यू होते हैं वो डेड होते हैं, सो दैट दे कैन प्रोवाइड द रिजिड सपोर्ट, व्हाइल इन एनिमल मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर लाइव एंड फ्यू डेड टिश्यूज आर आल्सो प्रेजेंट बट मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर लाइव। सो होपफुली आपको ये इंट्रोडक्टरी क्लास पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और मिल बांट के नॉलेज प्राप्त करें। नॉलेज होती है देने के लिए एक दूसरे को, ठीक है, हम आपको दे रहे हैं आप किसी और को दीजिए। सो शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है अगले लेक्चर में, ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस।